हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक विला में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे हाउ टू यूज़ डिस्क डिगर ऐप के बारे में। दोस्तों, कई बार आपके फ़ोन से गलती से आपसे अगर फ़ोटो डिलीट हो जाती है, वीडियो वगैरह डिलीट हो जाते हैं, या कोई भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हो जाता है, तो आप उसको वापस कैसे रिकवर करें, इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपना खोया हुआ फ़ोटो वीडियो वगैरह आप रिकवर कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है डिस्क डिगर। तो आपको एक कुछ इस नाम से आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, डिस्क डिगर फोटो रिकवरी ऐप। तो ये बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। 3.9 की इसकी रेटिंग है। तो यहाँ पर आने के बाद इसको सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओपन पे क्लिक करेंगे आप, ओपन कर लेना है आपको। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको तीन चार तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। एक तो बेसिक स्कैन नो रूट, एक फुल स्कैन रूट रिक्वायर्ड, और वाइप फ्री स्पेस। तो दोस्तों, इसमें आपको सिंपली नो रूट पे आपको यहाँ पे स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली आकर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी खोई हुई डिलीट हुई फ़ोटो जो है आपको यहाँ पे रिकवर होना चालू हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिकवर होना चालू हो चुकी है। और कुछ ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितने आप यहाँ पे MB और उसकी डेट वगैरह भी आप फिक्स कर सकते हैं कि मुझे इस डेट से इस डेट तक की फ़ोटो चाहिए है जो मुझसे डिलीट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 10,000 बाइट यहाँ पे क्लिक करके रखा हुआ है, ओके करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये रिकवर होना चालू हो चुका है। कर सकते हैं कुछ फ़ोटो का साइज़ जो है MB आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यदि फ़ोटो का साइज़ बड़ा है तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाके आप उसको यहाँ पर बाइट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आप ज़्यादा बाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है 10 लाख बाइट। तो दोस्तों, यहाँ पे 10 लाख बाइट मतलब MB में कुछ, 1 MB में 10 लाख बाइट होती है। तो कुछ तरीके से एक MB की फ़ोटो आपको रिकवर होना चालू हो जाएगी। जितनी बड़ी फ़ोटो होगी दोस्तों, वो आसानी से आपको रिकवर होना चालू हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप दोस्तों कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं, साइड में ऑप्शन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेलेक्ट ऑल, अनसेलेक्ट ऑल, सॉर्ट बाय साइज, डिलीट परमानेंट। यहाँ से आप दोस्तों अगर आपको ये फ़ोटो नहीं चाहिए तो यहाँ से परमानेंट भी डिलीट कर सकते हैं आप हैं। और मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये 4 फ़ोटो में मुझे रिकवर करना है, तो मैं इन 4 फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे रिकवर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर मैं जाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं चाहे तो आप, या फिर अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर डिवाइस में सेव कर लेता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ बीच वाले ऑप्शन में। तो कुछ इस तरीके से मुझे कहाँ पर सेव करना है उसके लिए परमिशन ये पूछ रहा है। तो मैं यहाँ SD कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर डाउनलोड पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है मैंने। तो देख सकते हैं आप, यहाँ मेरी 4 फ़ोटो जो है रिकवर हो चुकी है। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल, माय फाइल्स में जाता हूँ और SD कार्ड में जाऊँगा, तो यहाँ पर डाउनलोड में जाऊँगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 फ़ोटो मैंने ये रिस्टोर कर ली है, रिकवर कर ली है। और कुछ इस तरीके से दोस्तों अपनी फ़ोटो आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक विला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।